few moments later. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope आप सभी अच्छे होंगे. और आज मैं ब्लॉगिंग करने आ चुका हूँ फिर से. मेरे पीछे है सुल्तान डाकू का किला, जो कि आप देख सकते हो. मैं आज यहाँ पर अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के लिए यहाँ आया हूँ. यहाँ पर लाइटिंग का शो होता है रात को, और आज हम देखेंगे उसको. और ये गाइस वही प्लेस है जहाँ पर मैंने अपना पहली ब्लॉगिंग की थी, जो कि आपने बहुत प्यार दिखाया था उस वीडियो पर. तो आई होप आप इस वीडियो पर भी इतना प्यार दिखाएं. सो गाइस अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा इंतज़ाम है अंदर लाइटिंग का, और अमृत महोत्सव की तैयारी देखते हैं कैसी है और लाइटिंग. गाइस मेरा व्लॉग लेट आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी. मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ. सो इसी कारण मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ. तो आपको भी पता है व्लॉगिंग के लिए टाइम चाहिए, तो मेरे पास इस समय टाइम नहीं हो पा रहा था. तो आज मुझे टाइम मिला है. आज दिन है संडे और टाइम हो चुका है 5:30 बज रहे हैं. आप देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ है यहाँ व्हीकल वगैरह की. तो लोग यहाँ वीडियो बनाने भी आते हैं, और यहाँ अमृत महोत्सव की लाइटिंग वगैरह जो होती है वो देखने आएंगे. और मैं भी आपको वही दिखाना चाहता हूँ आज. सो गाइस देखते हैं, अंदर चलते हैं. ये देख सकते हो आप मेरे सामने किला, सुल्तान डाकू किला पास से कितना प्यारा लग रहा है. और ये देखिए मौसम, और ये थोड़ी पब्लिक भी ऊपर खड़ी है इसकी बाउंड्री पे. और यहाँ देख सकते हो बैरिंग भी हो रखी है. अब एंट्री कर रहे हैं किले के अंदर. यह है किले का गेट, इसके अंदर की एंट्री हो रही है हमारी. और ये यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं जो कि रात को सेट होंगी. अभी टाइम है यहाँ, ये देख सकते हो ऊपर की छत. और ये सामने का व्यू कितना सुंदर लग रहा है. तो क्या किले के अंदर एंट्री कर ली है हमने. आज मैं अकेला हूँ, और फिर यहाँ पर थोड़ी देर बाद लाइटिंग भी होगी. हे गाइस हम आ चुके हैं किले के अंदर, और ये मेरे पीछे देख सकते हो आप किले का गेट. ये अंदर का व्यू है, चारों तरफ का मैदान जो कि बहुत सुंदर लग रहा है. अब यहाँ का नज़ारा भी बहुत प्यारा है. ये गाइस अंदर का व्यू, ये अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ किले के अंदर से गेट. बाहर जाने का रास्ता है ये इसकी बाउंड्री देख सकते हो आप. और आज मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है. ठीक है गाइस और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे, घूमते हैं थोड़ा सा यहाँ पर. आज फ़िलहाल मैं अकेला हूँ. मैं और मेरे दोस्त अब यहाँ दोबारा आएंगे, जो यहाँ रात को लाइटिंग का शो होएगा उसको देखने. तो अमृत महोत्सव का इस समय सेलिब्रेशन चल रहा है, तो वही देखेंगे रात को यहाँ आकर. और ये अभी मैं यहाँ व्लॉग कर रहा हूँ, वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ. और आपने पहली वीडियो पर बहुत प्यार दिखाया था, तो आई होप इस वीडियो में भी आप मुझे इतना ही प्यार दिखाएंगे. गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. ये देखिए दोस्तों खजूर के पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं. अब पीछे का व्यू कितना सुंदर आ रहा है. गाइस देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी लोकेशन आ रही है इस समय. और यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह सब चलता रहता है. और ये देखिए दोस्तों सामने दूर वो पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ से पहाड़ भी दिख रहे हैं. आज मौसम बहुत साफ़ है, तो वो देखिए वादियाँ, पहाड़ जी हैं हमारे सामने, वो दूर पहाड़ जी आएंगे वहाँ पर भी हम. ये गाइस मैं आगे जा रहा हूँ, वो लास्ट वाला गेट जो दिख रहा है सामने वहाँ पर, और वहाँ बहुत सारी पब्लिक है, फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं. और देख सकते हो किले की लोकेशन कितनी प्यारी है. और आज वेदर भी बहुत अच्छा है, ऊपर वाले ने पूरा साथ दिया, बारिश नहीं हुई. तो आप देख सकते हो. अब आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी गाइस, मैं बहुत मन से वीडियो बना रहा हूँ आज, और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ यहाँ पर अकेले ही. सो गाइस सपोर्ट कीजिए मेरे को, मेरे चैनल को. और ये मेरे पीछे ट्रक जा रहा है, यहाँ कल तैयारी होगी 15 अगस्त की, आज 14 अगस्त है. सो अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन चारों तरफ है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे शहर में नजाबाद,
में सेलिब्रेट किया जाए बहुत अच्छे से। और ये किला बहुत फेमस है यहाँ का, सब जानते हैं इस किले के बारे में। सो गाइस आप भी इन्जॉय कीजिए। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सुल्तान डाकू का ख़जाना होया करता था, तो मैं उसी कुंड के पास जाने वाला हूँ। मैंने पहले भी बताया था आपको वीडियो में, और अब भी दिखा रहा हूँ वो लोकेशन इस समय कैसी है। सो गाइस वहाँ चलते हैं। ये आ चुके हैं हम कुंड के पास। सुल्तान डाकू का यहाँ कुआ होया करता था, यहाँ पर वो अपना ख़जाना छुपाया करता था, और इसका पानी कभी सूखता नहीं है ऐसा सुना है हमने। और आप देख भी सकते हो यहाँ पानी पानी है, और ये बेल वगैरह आ चुकी है चारों तरफ, और यहाँ जाने की कोई कोशिश भी नहीं करता। ये देख सकते हो इसके चारों तरफ बाउंड्री भी हो रखी है। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं किले को, ठीक है गाइस चलते हैं इधर। पीछे कितना प्यारा व्यूज़ दिख रहा है। ये यहाँ पानी इकट्ठा हो चुका है, पानी बारिश बहुत हो रही है यहाँ पर, और वेदर आप देख ही चुके हो कितना सुंदर वेदर है। हे गाइस हम अब आ चुके हैं इसके लास्ट पॉइंट पर, जो मैं आपको अभी बोल रहा था। और ये उसका किले का लास्ट पॉइंट है जिसके पीछे हम खड़े हैं अभी। तो ये मेरे सामने किले का लास्ट पॉइंट है, सुल्तान डाकू के किले का ये लास्ट गेट है। सो इसके पास चलते हैं अब और देखते हैं वहाँ का व्यूज़। तो गाइस ये देखिए वो रहा सामने लास्ट गेट, और मैं आपको एक बार यहाँ चारों तरफ की बाउंड्री दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे सामने, ये देखो वहाँ से फिर सीधी हो जाती है बाउंड्री, वहाँ थोड़ी टूट चुकी है, फिर वो वहाँ से सीधी हुई, और ये सामने वो है वहाँ का मेन गेट, और ये फिर वहाँ से स्टार्ट हुई, और ये थोड़ी और आगे वहाँ थोड़ी ब्रेक हो गई है दीवार, और ये यहाँ से सीधे जाते हुए यहाँ कनेक्ट हो जाती है दीवार, और ये यहाँ से सीधी हो गए सीधे गेट से आगे मिल जाती है, जो कि मेरे सामने है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट पहले भी देख चुके हैं, अंदर मेरे जाने का मन नहीं कर रहा। सो गाइस यहीं से वापस चलते हैं, या आपको चलो पास जाके दिखा देते हैं, ठीक है। ये गाइस हम आ चुके हैं गेट पर जो लास्ट पॉइंट है यहाँ का। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ की बाउंड्री थोड़ी इसकी हालत ख़राब है, स्टेयर्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। सो मेरा ऊपर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो गाइज़ अब यहाँ से वापस चलते हैं, और आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। यहाँ जो अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन है उसको दिखाएंगे आपको, जो यहाँ लाइटिंग वगैरह हो रखी है उसको दिखाएंगे, ठीक है गाइज़ थोड़ी देर में मिलते हैं। स्टिल नाउ बाय।